हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडर्न सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, यानी कि जो मॉडर्न एरा में, यानी कि अभी जो सॉफ्टवेयर्स डेवलप हो रहे हैं उसके मैनेजमेंट के लिए किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट है, जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, वो हाई क्वालिटी का विद इन बजट एंड विद इन डेडलाइन डेवलप हो सके। द फॉलोइंग आर 10 मॉडर्न सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। फर्स्ट, बेस द प्रोसेस ऑन एन आर्किटेक्चर फर्स्ट अप्रोच। फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, आर्किटेक्चर देखना पड़ेगा। स्टार्ट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, द डेवलपर फर्स्ट थोरोली आइडेंटिफाइज द रिक्वायरमेंट देन चूजेज द सिग्निफिकेंट डिजाइन डिसीजन। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले डेवलपर को क्या करना पड़ेगा, पहले सारी रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और फिर सिग्निफिकेंट डिजाइन डिसीजन लेना पड़ेगा कि इसको डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल स्टार्ट होने से पहले, सॉफ्टवेयर को डेवलप होने से पहले सारी रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करेगा डेवलपर और फिर देखेगा कि क्या डिज़ाइन डिसीजंस इसमें लेने पड़ेंगे, यानी कि किस टाइप की डिज़ाइन टेक्निक्स को हमें यूज़ करना पड़ेगा। और बिफोर स्टार्ट द लाइफ साइकिल और डेवलपमेंट प्रोसेस फॉर सॉफ्टवेयर, चेक द सिलेक्टेड रिसोर्सेज आर सफिशेंट फॉर कम्प्लीशन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को स्टार्ट करने से पहले ये चेक किया जाता है कि जो सारी रिसोर्सेज हमें चाहिए इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, वो सफिशेंटली अवेलेबल हैं कि नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल स्टार्ट कर दी, हमने सॉफ्टवेयर को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, उसकी प्लानिंग करना स्टार्ट कर दी, उसकी रिक्वायरमेंट्स गैदर कर ली, लेकिन पता चला हमें जो रिसोर्स चाहिए, जैसे हमें जो सॉफ्टवेयर, जो हमें इन्वायरमेंट चाहिए उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, वो अवेलेबल नहीं है, या जितने लोग चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। तो सारी रिसोर्सेज जो उस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में यूज़ होनी है, उन सारी को चेक करना पड़ेगा कि वो उतने अवेलेबल हैं कि नहीं है। सेकेंड प्रिंसिपल इज इस्टेब्लिश इटरेटिव लाइफ साइकिल प्रोसेस दैट फेस रिस्क अर्ली। रिपीटेडली हमें रिस्क को चेक करते जाना पड़ेगा पहले से ही, कि ऐसा नहीं हो कि सॉफ्टवेयर जो है सपोज़ 90% डेवलप हो चुका है और तब जाके पता चले कि अब इसमें प्रॉब्लम है, अब इसको डेवलप नहीं किया जा सकता है, या इसमें ये फीचर जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, रिस्क को हमें टाइम टू टाइम चेक करते रहना पड़ेगा, जिससे आफ्टर डेवलपमेंट वो प्रॉब्लम कस्टमर को फेस नहीं करनी पड़े। तो ये एक रिपीटेडली प्रोसेस होती है, इसीलिए इसे इटरेटिव लाइफ साइकिल प्रोसेस बोल रहे हैं। टुडे द ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉलो टू डिफाइन द इंटायर प्रॉब्लम एट वंस, डिज़ाइन द इंटायर सॉल्यूशन, बिल्ड द सॉफ्टवेयर एंड देन टेस्ट एंड डिप्लॉय इन सीक्वेंस। अब जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है उसमें ऐसा नहीं होता है कि पहले पूरी इंटायर प्रॉब्लम को एक साथ डिफाइन कर दिया जाए, फिर उसकी डिज़ाइनिंग स्टार्ट की जाए, फिर उसकी कोडिंग की जाए, फिर उसकी टेस्ट की जाए और फिर डिप्लॉय किया जाए। ये वाटरफॉल मॉडल में ऐसा होता था जो कि ओल्ड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट प्रोसेस थी। तो आज की ऑर्गेनाइजेशंस ये नहीं करती हैं कि सारी प्रॉब्लम को वो एक बार डिफाइन कर दें, फिर उनको डिज़ाइन करें पूरे सॉल्यूशन उसका, फिर उसके लिए कोडिंग लिखें, फिर टेस्ट करें और फिर डिप्लॉय करें सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को। अब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इस केस में जो प्रॉब्लम्स आती हैं मैं आपको वाटरफॉल मॉडल में बता चुकी हूँ। तो अब क्या होता है, द ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज इटरेटिव डेवलपमेंट अप्रोच विच हेल्प्स इन प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, इफेक्टिव सॉल्यूशन एंड एन इफेक्टिव प्लान ओवर सेवरल इटरेशन। तो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं अब इटरेटिव डेवलपमेंट अप्रोच को यूज़ करती हैं, जिससे प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, उसका इफेक्टिव सॉल्यूशन निकालना और उसका इफेक्टिव प्लान फाइंड आउट करना ईजी हो जाता है, और इसको सेवरल इटरेशंस में किया जाता है। यानी एक साथ सारी प्रॉब्लम को डिफाइन नहीं करके उनको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में या स्मॉल मॉड्यूल्स में डिवाइड करके इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया जाता है, उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए जाते हैं और इनके इफेक्टिव प्लान बनाए जाते हैं। इट ऑल्सो इंकरेजेस अ बैलेंस्ड ट्रीटमेंट टू ऑल स्टेक होल्डर ऑब्जेक्टिव्स, जिससे क्या होगा, अगर हम इटरेटिवली ये चेक कर रहे हैं तो उससे बेनिफिट क्या होगा, जो भी स्टैक होल्डर्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्टैक होल्डर्स कौन से होते हैं इसके लिए हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, तो उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हम बैलेंसली ट्रीटमेंट दे पाएंगे। इसका मतलब है कि हम उसके ऑब्जेक्टिव्स को एक एक करके ये चेक कर पाएंगे कि वो
हम अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं। द मेन एडवांटेज ऑफ इटरेटिव अप्रोच इज रिस्क आर आइडेंटिफाइड अर्ली टू अवॉइड सॉफ्टवेयर रिवर। तो मेन एडवांटेज क्या है इटरेटिव अप्रोच का, कि रिस्क जो हैं, जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनको हम पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जिससे आगे जाके रिवर्क नहीं करना पड़े। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, कि अगर पहले से ही प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई नहीं किया गया में सॉफ्टवेयर में से, तो उस केस में जब सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाएगा तो उस केस में ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी और वापस से पूरा काम फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। सब कुछ डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स कोडिंग सब में चेंजेस करने पड़ेंगे, जो कि कॉस्टली पड़ जाएगा। तो रिस्क को अर्ली चेक करने के लिए इटरेटिव अप्रोच बहुत बेनिफिशियल होती है मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। नेक्स्ट इज कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट। मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि मॉडर्न एरा में कंपोनेंट्स बेस्ड डेवलपमेंट को यूज़ किया जाता है, जिससे कस्टम कंपोनेंट्स कम डेवलप करने पड़े कंपनीज को। जितने कम कस्टम कंपोनेंट्स को डेवलप करेगी कंपनी, उतने मिस्टेक्स होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी और डेवलपर्स को कोड भी कम लिखना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, हमें हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा। तो अ कंपोनेंट इज़ ए कोहेसिव सेट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग लाइंस ऑफ कोड आइदर इन सोर्स और एग्जीक्यूशन फॉर्मेट विथ ए डिफाइंड इंटरफेस एंड बिहेवियर। तो कंपोनेंट क्या होता है, एक ऐसे सेट ऑफ लाइंस होती हैं, कह सकते हो लाइंस ऑफ कोड होती हैं, जो पहले से ही लिखी हुई होती हैं, या तो सोर्स लैंग्वेज में लिखी हुई होती हैं या एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में होती हैं, जिनमें डिफाइन इंटरफेस और बिहेवियर होता है, यानी उसकी पूरी कोडिंग की हुई होती है। वो एक कंप्लीट मॉड्यूल होता है जिसको रीयूज़ किया जा सकता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। द डेवलपर्स आर ट्रांजिट फ्रॉम लाइन्स ऑफ कोड टू कंपोनेंट बेस्ड मेथड्स टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ह्यूमन जनरेटेड कोड एंड कस्टम डेवलपमेंट। देन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या किया जाता है, कि डेवलपर्स जो हैं उनको लाइन्स ऑफ कोड से ट्रांजिट मूव किया जाता है कंपोनेंट बेस्ड मेथड्स पे। ठीक है, कंपोनेंट बेस्ड मेथड यूज़ करेंगे तो उन्हें लाइन ऑफ कोड कम लिखना पड़ेगा। ठीक है, ह्यूमन जनरेटेड कोड रिड्यूस हो जाएगा और कस्टम डेवलपमेंट भी रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट इज चेंज मैनेजमेंट एनवायरनमेंट। द डायनामिक ऑफ इटरेटिव डेवलपमेंट इंक्लूडिंग कॉन्करेंट वर्क फ्लोज बाई डिफरेंट टीम्स वर्किंग ऑन शेयर्ड आर्टिफैक्ट्स नेसेसिटेट्स ऑब्जेक्टिवली कंट्रोल बेसलाइन। हमें सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट एनवायरनमेंट है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। अगर हम इटरेटिव डेवलपमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में हमें डिफरेंट टीम्स को यूज़ करना पड़ेगा कॉन्करेंटली वर्क करने के लिए, और जो शेयर डॉक्यूमेंट्स को आपस में शेयर कर रही होंगी, तो जिसकी वजह से हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सभी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल्ड वे में हों। ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई टीम जो है वो डिफरेंट अपने ही कुछ लॉजिक्स लगा के वर्क कर रही है और दूसरी जो है कुछ और टाइप से बना रही है, और जो हमें फाइनल आउटपुट मिल रहा है वो रॉन्ग हो जाए। तो सभी को जो है बैलेंस्ड वे में एक ही टाइप से वर्क करना पड़ेगा, जिससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए डेवलपमेंट में। नेक्स्ट इज राउंड ट्रिप इंजीनियरिंग। द इटरेटिव डेवलपमेंट प्रोसेस सपोर्ट्स ऑटोमेट एंड सिंक्रोनाइज इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। तो जो इटरेटिव डेवलपमेंट प्रोसेस है वो सपोर्ट करती है ऑटोमेट और सिंक्रोनाइज वे में, जिससे जो इंफॉर्मेशन है वो डिफरेंट फॉर्मेट्स में होते हुए भी डेवलपर्स पे इजीली काम कर सकते हैं। विदाउट सब्सटेंशियल ऑटोमेशन चेंज मैनेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन एंड टेस्टिंग इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिड्यूस प्रोजेक्ट डेवलपमेंट टाइम। तो अगर इटरेटिव प्रोसेस जो है वो उसमें ऑटोमेशन नहीं होता, तो उस केस में हम चेंज मैनेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन और टेस्टिंग को जो है नहीं परफॉर्म कर पाते सिंक्रोनस वे में, जिससे हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता प्रोजेक्ट डेवलपमेंट टाइम को रिड्यूस करना, यानी कि सभी लोग एक साथ वर्क नहीं कर पाते अगर ऑटोमेशन नहीं होता इटरेटिव डेवलपमेंट प्रोसेस में। चेंज फ्रीडम इज नेसेसिटी इन इटरेटिव प्रोसेस, एट द सेम टाइम द रोल ऑफ एनवायरनमेंट इज क्रूशियल। सॉफ्टवेयर को डेवलप करते टाइम अगर कुछ चेंजेस करने पड़े तो हम इस इटरेटिव प्रोसेस के थ्रू हम उस चेंज को भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उस केस में जो एनवायरनमेंट है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, कि उस एनवायरनमेंट के थ्रू हम वो चेंजेस जो हैं ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमें करने पड़ रहे हैं वो उसके थ्रू कर पाएंगे कि नहीं।
Next is model based notation. Generally, model based approaches support rich graphical and textual design notions. Visual modeling provides good measures than traditional design approach. तो model based notation का use करना चाहिए हमें modern era के software development में, क्योंकि जितना ज़्यादा आप graphically project को represent कर पाओगे उतना ज़्यादा आप उसकी understanding को increase कर सकते हो. तो जो model basis approach होती हैं उनमें graphical और textual design notions बहुत ज़्यादा होती हैं, और विजुअल मॉडलिंग यूज़ करने से क्या होता है, हम ज़्यादा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट को, उसकी प्लानिंग को, उसकी प्रोग्रेस को, एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल डिज़ाइन अप्रोच जहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा यूज़ होती थी एज़ कम्पेयर टू विजुअल रिप्रेजेंटेशन. नेक्स्ट इज़ ऑब्जेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल. इट इज़ द बेस्ट असेसमेंट मैकेनिज्म. आर वेल डिफाइंड मेजर्स डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम द इवॉल्विंग इंजीनियरिंग. प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोग्रेस एंड क्वालिटी शुड बी असेस्ड इन द मिडिल ऑफ द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. अब हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो रिक्वायर्ड क्वालिटी थी उस क्वालिटी का प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट की प्रोग्रेस और उसकी क्वालिटी को जो है हम मिडिल ऑफ द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल में, डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में चेक करते हैं. और ये जो क्वालिटी कंट्रोल है ये एक बेस्ट मैकेनिज्म है. तो किसी भी प्रोजेक्ट को असेस करने के लिए कि वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस केस में हमें कुछ मैकेनिज्म, क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म्स अप्लाई करने पड़ते हैं. क्वालिटी कंट्रोल क्या एक बेस्ट असेसमेंट मैकेनिज्म है, या कह सकते हो वेल डिफाइंड मेजर्स हैं जिसको हम डायरेक्टली असेस कर सकते हैं ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. तो प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट प्रोग्रेस और उसकी क्वालिटी को हम असेस कर सकते हैं मिडिल ऑफ द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. यानी कि जब भी हमें सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को चेक करना होगा, हम ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस चेक कर सकते हैं कि वो गिवन क्वालिटी का, रिक्वायर्ड क्वालिटी का बन रहा है कि नहीं बन रहा है. नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेशन बेस्ड अप्रोच. देयर इज ट्रांजिट फ्रॉम करेंट डेवलपमेंट आर्टिफैक्ट्स टू एग्जीक्यूटेबल वन टू अर्ली एलिमिनेशन ऑफ आर्किटेक्चरल डिफेक्ट्स. तो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के दो मेथड्स हो सकते हैं, एक तो डॉक्यूमेंटेशन देख के उसको डेवलप करते जाना, और एक जो है उसकी डेमोन्स्ट्रेशन को यानी कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए उसको क्रिएट करते जाना. तो कौन सा बेस्ट मेथड होगा, डॉक्यूमेंटेशन की डेमोन्स्ट्रेशन? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, जो कि हम सॉफ्टवेयर मॉडर्न सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं. क्योंकि अगर हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन डेमोन्स्ट्रेशंस वे में किसी डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इजी हो जाएगी, और जिसकी वजह से जो आर्किटेक्चर डिफेक्ट्स आ सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में वो एलिमिनेट हो जाएंगे. तो इसीलिए हमने लिखा है कि हमें करेंट डेवलपमेंट आर्टिफैक्ट से मूव करना होता है एग्जीक्यूटेबल वन से. एग्जीक्यूटेबल वन मतलब जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन में या डेमोन्स्ट्रेटेड वे में आपको शो किए जा रहे हैं उस पर ट्रांजिट करना होगा, मूव करना होगा, जिससे हम आर्किटेक्चर डिफेक्ट्स को पहले ही रिमूव कर पाएँ. यानी कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट टाइम ही हम उसमें जो भी डिफेक्ट्स आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको रिमूव कर लें, जिससे आगे जाके हमें ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े. इवॉल्विंग लेवल ऑफ डिटेल्स. इट इज़ नेसेसरी दैट द सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट प्रोसेस हैज़ कंटिन्यूस डेमोन्स्ट्रेशंस विद इन द ऑपरेशनल कॉन्टेक्स्ट. द इवोल्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट इंक्रीमेंट्स एंड जनरेशंस मस्ट बी इक्वल विथ करेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स एंड आर्किटेक्चर. इवॉल्विंग लेवल ऑफ डिटेल्स मतलब जो डिटेल्स गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करते जाना है. यानी जो भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है वो गिवन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए. जिस जो हमने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में जिस ऑर्डर में हमने बताया है उसी लेवल ऑफ डिटेल्स, उसी डिटेल्स के अकॉर्डिंग जो है सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट होना चाहिए. तो ये नेसेसरी है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें कंटिन्यूस डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए ऑपरेशनल कॉन्टेक्स्ट का. यानी जो हम वर्क कर रहे हैं
वो कम्प्लीटली डिमॉन्स्ट्रेट होती जानी चाहिए कि हमने ये काम कर लिया है। तो जो प्रोजेक्ट के इंक्रीमेंट स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स जो हम प्रोजेक्ट के डेवलप करते जा रहे हैं, जनरेट करते जा रहे हैं, वो जो हमने इंक्रीमेंट्स अभी तक बना लिए हैं, वैसे सपोज इंक्रीमेंट 1 बन चुका है, इंक्रीमेंट 2 बन चुका है, इंक्रीमेंट 3 बन चुका है, तो जो डॉक्यूमेंटेशन में रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं जिस टाइम तक ये इंक्रीमेंट्स डेवलप हो जाने चाहिए, जिस लेवल ऑफ डिटेल्स तक ये इंक्रीमेंट्स डेवलप हो जाने चाहिए थे, उतने ये डेवलप हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इंक्रीमेंट 4 पे होने चाहिए थे लेकिन हम 3 पे हैं, या फिर 2 पे होने चाहिए थे लेकिन हम 3 पे हैं। तो जो करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स और आर्किटेक्चर है, उसी के अकॉर्डिंग जो है प्रोजेक्ट इंक्रीमेंट्स जनरेट होने चाहिए। इस्टेब्लिश कॉन्फिगरेबल प्रोसेस दैट इज़ इकोनॉमिकली स्केलेबल। नो सिंगल प्रोसेस इज सुटेबल फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अ प्रैक्टिकल प्रोसेस फ्रेमवर्क मस्ट बी ऑर्गेनाइजिंग ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एप्लीकेशंस। द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मस्ट इंटीग्रेट इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, डेवलपमेंट ऑटोमेशन, आर्किटेक्चर पैटर्न एंड कंपोनेंट्स। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हमें सिर्फ एक ही प्रोसेस का यूज़ नहीं करना पड़ता है, हमारे पास एक ऐसा फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसमें मल्टीपल प्रोसेस जो हैं वो एक साथ होने चाहिए, जिससे हम इकोनॉमिक ऑफ स्केल पे भी ध्यान दे पाएँ कि ओवर बजट नहीं जाए हमारा प्रोजेक्ट, जिसमें डेवलपमेंट ऑटोमेशन भी हो, आर्किटेक्चर पैटर्न्स भी हों और कंपोनेंट्स भी हों जिनको यूज़ करके हम इकोनॉमिकली स्केलेबल सॉफ्टवेयर को डेवलप कर पाए, यानी कि गिवन एक बजट में हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर पाए।